नमस्कार, मैं हूं हृदय यादव और आप देख रहे हैं यूएस टीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसमें 7 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की, तो वहीं अखिलेश यादव 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। जिस तरीके से अखिलेश यादव कैंपेनिंग कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इससे ज्यादा सीटें जीत सकती है। अखिलेश यादव ने चुनाव के नतीजे आने से पहले कहा था कि अगर निष्पक्ष मतगणना होती है तो अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और संभव है कि सभी 9 सीटें सपा के खाते में जाएं। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद तस्वीर कुछ और ही रही। अब सवाल यह है कि आखिर चूक कहां हुई। नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी पूरे दल बल के साथ, और योगी सरकार पर कई कई गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जानबूझकर प्रशासन और पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंट्स को लगभग निकाल दिया गया और जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे उन्हें रोक दिया गया। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव का पूरा वीडियो जिसमें चुनाव में धांधली होने के गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे, इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते, उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? ये बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची, उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा ना हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा ना कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के, कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी
सरकार प्रशासन सबने मिलकर कराए जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो सके। ये बेईमानी कोई नई नहीं है इनकी। चुनाव में धांधली करना और धांधली का परिणाम आपने हमने सबने कैमरे पे देखा था, तो एक विधायक को भी अपमानित होना पड़ा था और इनकी धांधली सीसीटीवी की वजह से चंडीगढ़ में पकड़ी भी गई थी। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं वो जानते होंगे, इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और अगर ये संभव हो तो ये पता किया जा सकता है कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग बाहर थे उनको चिन्हित पहले ही कर लिया उन्होंने, जो लोग बाहर थे उन्हें चिन्हित पहले ही कर लिया और उनके वोट भी इन्होंने डाल दिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है।